और आपको इस वक्त हम लगातार कोरोना पर अपडेट दे रहे हैं। अवगत है कि पिछले कुछ समय से सरकार इन स्थिति से निपटने के लिए बड़े प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के तहत कार्य कर रही है और प्रेजेंटली ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ट्रांसमिशन के इस प्रोसेस को तोड़ने के लिए हम सभी राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को 100% इफेक्टिवली लागू करें। इसी संदर्भ में कल माननीय हेल्थ मंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी सभी स्टेट्स के हेल्थ मंत्रियों के साथ, सभी स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ, और उनसे अनुरोध किया था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से हर स्टेट में, हर जिले में लागू किया जाए। उन्होंने राज्य से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में नागरिकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना का सामना ना करना पड़े। राज्यों से डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं उनको अपनी सर्विसेज के लिए अटेंड करने के लिए जो यात्रा व्यवस्था है उसके भी सभी जो उनको सपोर्ट है उसको स्टेट में प्रोवाइड किया जाए, वो भी रिक्वेस्ट की गई थी। मुख्यतः उन्होंने सभी राज्यों से COVID-19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर COVID-19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि PPEs और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इस टास्क फोर्स में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सचिव फार्मा, सचिव टेक्सटाइल्स, उपभोक्ता मामले, जहाज जरानी, रेलवे बोर्ड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स की जो एक कमी स्टेट में, कंट्री में महसूस की गई थी उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे एक PSU को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। इसके साथ ही 25 मार्च को टेलीमेडिसिन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश और इनके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य सेवा का डिसेमिनेशन, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके लिए डायरेक्शन इशू की गई हैं। मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज देश के सभी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और साथ ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से COVID-19 के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर और उसके साथ उसमें कैसे मिलकर हमें काम करना है उसके लिए भी एक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और एडिशनल स्टेप्स क्या लेने चाहिए इसके लिए भी एक नेशनल टास्क फोर्स जो हमारी बनी हुई है उसकी भी आज एक विस्तृत चर्चा, उसकी भी एक डिटेल्ड बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फील्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स को COVID-19 से निपटने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए उसके ओरिएंटेशन के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ANMs, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ओरिएंट करने के लिए एक नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स उसको ऑर्गेनाइज किया है। अब हम अभी बात कर रहे हैं उस समय ये ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली उसके तहत भी एक वेबिनार के थ्रू देश के डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग आज दी गई है। इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम देश के गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ओरिएंट कर सकें। आप सबको अवगत है कि सरकार ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए बीमे का कवर की घोषणा भी की है जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो कार्य इस कार्य से डील कर रहे हैं उन सबको लगभग 22 लाख स्वास्थ्य
स्वास्थ्य कर्मियों को इससे फायदा होगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड 19 के रोगियों का इलाज करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना अगर उनके साथ पेश आती है तो इस योजना के तहत उनको 50 लाख रुपए एज इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। सभी स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्र वेलनेस सेंटर और केंद्र के अस्पतालों के साथ साथ राज्य के अस्पतालों में भी यह योजना लागू होगी। यह बीमा योजना कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज जो कल घोषित किया गया उसके तहत की जाएगी। इसके साथ ही हमारे द्वारा की गई अपील के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि करीब 1.4 लाख कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर से काम करने की वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन जो G20 समिट कल हुआ था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे देशों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए मानव को केंद्र बिंदु के रूप में समझते हुए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो या हो तो कम से कम हो और ट्रेड डिसरप्शन को कम हो, उसके साथ साथ मिलकर कैसे हम G20 के देश मिलकर काम कर सकते हैं उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। इस समय पर जब पूरे देश का में लॉकडाउन चल रहा है मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यह लड़ाई जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ यह लड़ाई समस्त समाज और संपूर्ण सरकार के द्वारा मिलकर करे जाने वाली लड़ाई है और इसमें सभी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि जैसे अब तक हमें समर्थन मिलता रहा है उसी तरीके से हम इस लड़ाई को हर तरीके से सक्षम होकर मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूँ गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से कि वो अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने शेयर करें। गृह मंत्रालय निरंतर स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। जैसा कि आपको पता है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को जारी रखना है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कार्गो मूवमेंट को अलाउ कर दिया है। ये इंस्ट्रक्शन स्टेट्स और यूटीज को रिएटरेट किए जा रहे हैं कि कार्गो मूवमेंट को वो इंश्योर करें। कोविड 19 के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों का मूवमेंट ना हो और इसी श्रृंखला में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका जो लार्ज स्केल मूवमेंट चल रहा है इसके बारे में होम सेक्रेटरी ने आज स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज और DGPs को पत्र लिखकर फिर से निर्देश दिया है कि वे इस पर ध्यान दें। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। फूड पैकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन फैसिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वे NGOs, CSR इत्यादि का भी सहयोग ले सकते हैं। जो सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फ्री फूड ग्रेन्स का डिसीशन लिया है और एसेंशियल आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीशन लिया है उसको वो स्ट्रीमलाइंड वे में सुनिश्चित करें। होम सेक्रेटरी ने अपने पत्र में सभी स्टेट्स और यूटीज को फिर से ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के जो इनमेट्स हैं उनका ध्यान दें। होटल्स, रेंटेड अकोमोडेशन इत्यादि को ओपन और फंक्शनल रखें परंतु सभी कोविड 19 से संबंधित जो एहतियात हैं उनको भी बरतें। आज गृह मंत्री जी ने भी कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है और समस्याओं का निदान करने के लिए अनुरोध किया है। अभी होम सेक्रेटरी ने इन मुद्दों पर DGPs के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग की। उन सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये फील्ड लेवल तक कटिंग एज तक परकुलेट करें। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रॉपर एनफोर्समेंट मेजर्स के साथ एम्प्लॉयर्स को उचित निर्देश देकर फूड और शेल्टर की व्यवस्था करके एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का इंतजाम करके हम ये सारे इश्यूज एड्रेस कर पाएं। धन्यवाद।
We can take some questions. 51. Please use mic. See, as far as PPEs are concerned, as you are aware, earlier, since the cloth was primarily imported, there was some issues, some bottlenecks in terms of their availability. Similarly, there were issues also related with respect to N95 masks because of the imported component. Government is aware of the issue. As I had briefed earlier, 31st January itself, we actually prohibited their export. We had also revised our guidelines based on the COVID-19 virus, and based on that, what type of material available in country would be sufficient in terms of managing these cases. Again, you know, interministerial effort has been going on to ensure that we can develop indigenous manufacturers who can prepare and give us PPEs. Those efforts are also now leading some good results, and I am hopeful that, you know, we will be able to manage the situation. Similarly, with respect to N95 masks also, we have been in touch with various buyers whom we have identified across the country. We are also coordinating with states in terms of ensuring that based on their demand, whatever support and facilitation needed to be done at the Government of India level, we are able to provide it to them. 156. मैं अशोक हूं और मेरा सवाल मैम से है कि जैसे कि प्राइवेट एयरलाइंस ने भी ये ऑफर किए हैं कि जो माइग्रेंट्स अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं, महानगरों से कहीं अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर सरकार इजाजत दे तो उनको हम अपने एयरलाइंस के थ्रू करेंगे. इंडिगो, स्पाइस एंड गो, ये तीन एयरलाइंस सामने आए हैं और ये अपील की है. क्या आने वाले टाइम में ये इनकी इजाजत सरकार की तरफ से मिलेगी? जैसा आपको पता है, लॉकडाउन का मेन उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति जहां है वहीं रहे. मैंने पहले भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति जहां वहीं रहे, वहीं उसको हम सुरक्षित और सुचारू रूप से सेफ रख सके. तो मेरे ख्याल से हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे. अभी हम ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं. द कैबिनेट सेक्रेटरी हैज फ्लैग्ड गैप्स इन द सर्विलेंस ऑफ ट्रैवलर हु केम बैक टू इंडिया प्रायर टू मार्च 5 व्हेन द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग बिगेन. How many such people are yet to be identified? There is a similar question. There is a possibility that there may be gaps in number of persons coming from abroad and number of persons being monitored. How to ensure that all persons are monitored properly? So what Cabinet Secretary has written the letter to the Chief Secretary which is being mentioned. It is a letter which is part of our routine communication with states, wherein we have requested that while we commend that they have done excellent good work so far, also in terms of monitoring all the passengers, we have effectively requested them that kindly continue with that same pace, continue that same momentum, and ensure that all international passengers, the list of which it has been given by the Bureau of Immigration, they also should be monitored till the logical end in terms of our incubation period of 14 days and 28 days in terms of the overall monitoring. This is part of our regular communication with the states to ensure that collectively states and Government of India work together to ensure that no cases are found and we are able to monitor all the international passengers. 41. Yes, sir. Kitne rajyon ne dedicated COVID-19 ke liye alag se aspatal banaye aur kitni bed capacity hai sabki? Dekhiye, jaise maine aapko kal bataya tha कि हम स्टेट्स के साथ एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन अप्रोच से काम कर रहे हैं. जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का रेस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है. तो जैसे कल मैंने आपकी नॉलेज में लाया था कि 17 स्टेट्स में ऑलरेडी COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल या ब्लॉक्स बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और उसी के तहत ही जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में सारे स्टेट के MD NHMs और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एक और डिटेल डिस्कशन वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है कि जो जिन स्टेट्स ने अब तक आइडेंटिफाई कर लिया है उसको वो कैसे इक्विप करें, और एडिशनल स्टेट्स
कैसे और एडिशनल ब्लॉक्स और एडिशनल हॉस्पिटल्स को उस कोविड डेडिकेटेड। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।